good morning students uh, today we are going to be cover the following topics as given over there the first is area vector electric flux gauss's law and its applications okay so let's come to the first point that is the area vector now in simple remember one thing area vector is what that is simple a perpendicular vector that will be passing through the plane now it is very clear to all of you is that that vector is always perpendicular or normally outward that is not normally upward it is the outward okay as given over there the next is electric flux it is what it is simple the number of field lines passing through an area passing through an area normally किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं दैट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाइव दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाइव ओके सो मैथमेटिकली इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैव ई वैक्टर दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर डॉट एरिया वैक्टर ओके इट मीन्स सिंपल वे हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लियर द नेक्स्ट इज वॉट दैट इज द सिंपल हेयर शोन इन द फिगर दैट दीज आर द फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द दिस पर्टिकुलर एरिया सो दीज नंबर ऑफ लाइन्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेयर सिंस इट इज अ डॉट्स प्रोडक्ट सो इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ई dA cos theta, where E is the magnitude of E vector and dA is the magnitude of dA vector, and theta is the angle between electric vector and dA vector that is the electric field vector and area vector. Now, these are some numericals, you should just go through them. You have to calculate the electric flux through a cube of size 10 centimeter, have टेन कोलम चार्ज ऑन इट सेंटर सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया यू रिक्वायर्ड सो सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हेयर इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन की पावर फाइव न्यूटन पर कोलम सपोज ओके ना नेक्स्ट इज वॉट यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द बेस ऑफ द क्यूब ना रिमेंबर वन थिंग नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स एंड फ्लक्स बोथ आर द सेम थिंग सो कैलकुलेट दिस आर दिंट टू यू नाउट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द गोसेस लॉ ना वॉट इज गोसिस लॉ गॉस लॉ बेसिकली दिया किसलिए था कि यहाँ पर हम लोगों को क्या था एक रिलेशन दिया था कि किसी पर्टिकुलर बॉडी के पास अगर चार्ज है तो उस बॉडी से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा सो सिंपली गॉस लॉ इज गिवन टू गिव द रिलेशन बिटवीन द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉडी हैविंग एनी चार्ज क्यू ओके सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी कैन से डैट नेट फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी और क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इट मीन्स वॉट कि किसी पर्टिकुलर बॉडी से सपोज कोई बॉडी है सपोज हम लोग एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर दिस इज द बॉडी हैविंग चार्ज क्यू ओके अब होगा क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ओके लाइक दिस सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी होंगी और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इट मीन्स डेट दिस पासिंग थ्रू द एरिया दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओके सो हेयर द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस फाई इज इक्वल टू वन अपॉन एफसाइलन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज बाई द बॉडी क्यू चार्ज बॉडी के पास है आप उसे क्या करो एपसाइलन नॉट से डिवाइड कर दो अगर आप ये करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको फ्लक्स मिल जाएगा ठीक है सेम हम लोगों को पहले से पता है कि फाई की वैल्यू क्या होती है ई e डॉट डी एस या फिर डी ए यहाँ पर दोनों फैक्टर सेम है आपके ठीक है डी एस या डी ए आप कुछ भी लिखेंगे एक ही बात है बिकॉज डी एस डिनोट सरफेस ए डिनोट्स एरिया सो बोथ आर द सेम थिंग नाउ वन थिंग ये जो आपका साइन है ये वाला दैट इज द इंटीग्रेशन यहाँ पे गिवेन है वेयर फाइ इज़ द इंटीग्रेशन एलोंग अ क्लोज सरफेस जब किसी क्लोज सरफेस के अबाउट हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं क्लोज इंटीग्रेशन जिसको आप ऐसे डिनोट करते हैं ओके नाउ अगेन सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू बाय गोस लॉ आपने पहले सॉल्व कर लिया अब आप उसे किसे सॉल्व करेंगे गॉस लॉ की हेल्प एंड यू सी डेट हाउ इजी इट इज़ वो कितना ईजी हो जाएगा नाउ द नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ़ गोसेस लॉ आपको ये सॉल्व करना है और मेरे व्हाट्सअप नंबर सेवन जीरो सेवन एट फाइव जीरो थ्री टू सिक्स जीरो पर करके अपलोड करना है आई हैव टू चेक इट नाउ द नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ गोसेस लॉ हम लोगों ने गॉसिस लॉ पढ़ लिया अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि लॉ का इस्तेमाल कहाँ पे होता है हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं इसका तो आपके सिलेबस की एक सिंपल सी बात आप लोग याद रखेंगे क्लास ट्वेल्थ में सीबीएसई के अकॉर्डिंग या फिर यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग या फिर आई के अकॉर्डिंग कि गोसिस लॉ का एक पर्टिकुलर यूज़ जो हम लोग ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डिफरेंट शेप्स के कंडक्टर्स होंगे उन कंडक्टर से आप क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे सपोज़ आपके पास एक वायर है तो उस वायर एक सिम्ल सपोज़ एक वायर है आपके पास उस वायर से किसी पर्टिकुलर दूरी आर पे जाकर आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितना होगा कितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे गॉस लॉ का यूज़ करेंगे न सी द फर्स्ट केस पहला केस ही ले लेते हैं हम लोग दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन चार्ज वायर आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और इस पर चार्ज दे रखा है आपको सपोज जो चार्ज आपको दे रखा है वो क्यू दे रखा है ओके सो हेयर लिखा भी बेटा यहाँ पर देखेंगे आप कंसिडर अ वायर हैव चार्ज एंड लेंथ हैल एक वायर है जिसके पास क्यू चार्ज है और एल लेंथ है तो हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी के बारे में पहले पढ़ा था चार्ज डेंसिटी क्या होती है लेमडा सिंपल डिनोटर टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ अगर एरिया होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया अभी फ़िलहाल यहाँ पे वायर है और वायर की सिर्फ लेंथ होती है एरिया नहीं होता ठीक है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको लेमडा है डिनोट करेंगे डेट इज कॉल्ड एस लीनियर चार्ज डेंसिटी सो लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल सो so, क्यू बराबर बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एल यानी इसी इक्वेशन को आपने रिजोल्व कर लिया है लेमडा इंटू एल की फॉर्म में अब हमें यह करना है लॉ अप्लाई करना है बट ये कंडीशन है कि गॉस लॉ अप्लाई सिर्फ क्लोज सरफेस पे होता है किस पे होता है क्लोज सरफेस पे तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इस वायर के पास एक हाइपोथेटिकल एरिया जो है वो क्लोज कर देंगे ठीक है जो एक सिलेंडर की फॉर्म में आएगा सो वेन वी विल क्लोज इट इट विल बी इमर्ज एज अ सिलेंडर और जब सिलेंडर को हम देखेंगे तो उसके पास तीन सर्फेसेस होंगे दो उसकी बेस और एक इसका कर्व सर्फेस एरिया ओके सो हम क्या करेंगे हमने स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डी ए मान लिया ये एक छोटा सा डी ए है ये एक छोटा सा डी ए है और एक ये छोटा सा डी ए है अब हम इनको एक वैक्टर की फॉर्म में देखेंगे तो ये होता है नॉर्मली आउटवर्ड इसका कैसे जाएगा ऊपर की तरफ ऐसा कैसा जाएगा नॉर्मली इधर की तरफ और ये कह जाएगा नीचे की तरफ नॉर्मली आउटवर्ड मैंने अपवर्ड नहीं बोला है आउटवर्ड बोला है इस बात का ध्यान रखेंगे ओके ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया अब यहाँ पे एंगल देखिए नाइन्टी डिग्री ज़ीरो डिग्री दोनों पैरल है तो कितना हो गया जीरो डिग्री और यहाँ पर पेंडिकुलर देख ही रहा है तो नाइन्टी डिग्री तो सरफेस वन पर नाइन्टी डिग्री सरफेस टू पर ज़ीरो डिग्री और सरफेस थ्री पर नाइन्टी डिग्री ओके सो नाउ अप्लाइंग ऑफिस लो सरफेस क्लोज हो चुका है उस क्लोज सरफेस को आप गॉसियन सरफेस भी कहते हैं दैट इज द फाइनेट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एपसाइलेंट नॉट सो हेयर इन द केस ऑफ द सर्फेसेस ठीक है अब यहाँ पे क्या है तीन सरफेस हैं तो फ्लक्स भी तीन जगह से पास होगा भाई सपोज पहले सरफेस से फाइव वन दूसरे से फाइव टू और तीसरे से फाइव थ्री दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एपसाइलेंट नॉट सो दिस फाइव नेट इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री अब फाइव हम लोग कैसे लिखते हैं दैट इज़ द फ्लक्स ई डी ए थीटा अभी एंगल आप लोग ऊपर देख कर आ रहे हैं ऑलरेडी नाइन्टी ज़ीरो नाइन्टी सो ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस्ट नाइन्टी ई डी ए जीरो और ई डी ए कॉस्ट नाइन्टी इक्वल टू क्यू बाई एफ साइल नॉट बट कॉस नाइन्टी तो ज़ीरो होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जीरो और ये भी ज़ीरो तो इसका मतलब हो गया कि टोटल फ्लक्स जो है आपका सरफेस वन और थ्री का क्या हो गया जीरो हो गया तो सिर्फ सरफेस टू बचा हमारे पास दैट इज़ द ई डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाई एक्स एल एन नॉड भाई ये हमें निकालना है तो उसको बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डी ए का इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे सरफेस टू की बात कर रहे हैं और सरफेस टू पर अगर आप लोग ध्यान दें तो सरफेस टू इस पर है कर्व सरफेस एरिया पे इसीलिए इस डी ए का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा टू पाई आर एच वैसे तो हम एच लेते हैं पर यहाँ पर हमने क्या ली है इस सिलेंडर की लेंथ हाइट है वो एल ले लिए so e तो दैट्स वाई इट इज टू पाई आर एल ई की वैल्यू निकालनी है बेटा हम लोगों को तो ई इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग क्यू बाई टू पाई एफ साइलन नॉट आर एल तो क्यू बराबर क्या होता है लेमडा इंटू एल पीछे देखा था हम लोगों ने यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी पड़ी थी याद है भूल गए ये क्यू इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल सो दैट इज दैट्स वाई लेमडा एंड टू एल एल से एल बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन टू पाई एफ सेलन नॉट आर ओके अब इसे अपने कन्वीनियंस के लिए हम थोड़ा सही कर लेंगे कि हम लोगों ने पहले वन अपॉन फोर पाई एफ सॉट की वैल्यू पढ़ रखी है ना कि वन अपॉइंट टू बाई एफ नॉट की तो हम इसे टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड कर देंगे तो ये टू का मल्टीप्लाई और ये टू टू ज़ा फोर हो जाएगा तो फोर का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एफ साल नॉट टू लेमडा अपॉन आर ओके ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोग इसे सॉल्व करेंगे एंड देन अपलोड इट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर थैंक यू